वेलकम 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 गाइस वेलकम बैक टू ओन चैनल ऑप्शंस गाइड तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली वीडियो में इस वीडियो में जानेंगे हम बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस निफ्टी का ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं जहां हमने डिटेल लेवल्स की बात की है मंडे स्पेसिफिक भी एंड नेक्स्ट पूरे वीक के लिए भी इस वीडियो में करेंगे बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस एंड थोड़ा पोजिशनल लेवल्स की बात करेंगे कि पोजिशनली क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मार्केट का ट्रेंड डिसाइड कर सकते हैं एंड पोजिशनल लेवल्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये आपको परफेक्टली पता होगा अगर आप हमें फॉलो करते हैं ये फॉल तो हम सभी ने देखा जो हमें कंटिन्यूस फॉल देखने को मिल रहा था सभी ने देखा ये फॉल लेकिन इस फॉल में एग्जैक्ट पिन पॉइंट बॉटम हमने आपको बताया था एग्जैक्ट लेवल ये भी नहीं कि कोई रेंज बताइए हंड्रेड वन फिफ्टी टू हंड्रेड पॉइंट की नहीं हमने आपको सिंगल पिन पॉइंट लेवल बताया था और एग्जैक्टली exactly वहीं पे मार्केट का बॉटम लगा और वहां से फिर से गजब की रैली देखने को मिल रही है मोर देन फोर थाउजेंड पॉइंट की रैली हम ऑलरेडी देख चुके हैं उस लेवल से तो लेवल्स बहुत परफेक्टली वर्क करते हैं हम आपको मल्टीपल टाइम इनका मैजिक ऑलरेडी दिखा चुके हैं एंड इस वीडियो में भी आपको यही कोशिश करेंगे वो इंपॉर्टेंट लेवल्स अपडेट करने के लिए जो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करेंगे वीकली मंडे लेवल्स की भी बात करेंगे ओवरऑल इंट्राडे मार्केट में ज्यादा कुछ हमें देखने को मूव्स नहीं मिले अगर एक्सपायरी और थर्सडे की बात करें बिल्कुल मार्केट एक रेंज में थी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की रेंज में बैंक निफ्टी वर्क कर रही थी तो इंट्राडे बहुत ज़्यादा मूव्स नहीं थे पोजिशनल लेवल्स अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़े मूव्स कंटिन्यूस देखने को मिल रहा है एंड तो लोअर लेवल से बहुत बड़ा बाउंस आ चुका है लेकिन क्या ये बाउंस कंटिन्यू रहेगा और कंटिन्यू रहने के लिए क्या ब्रेकआउट लेवल है और दोबारा अगर मार्केट वीक होगी तो किन लेवल्स के बिल होगी वो डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में तो बहुत ही मज़ेदार डिटेल्ड वीडियो होने वाली है लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट फड़ सब्सक्राइब जरूर कर ले अदरवाइज आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं बैंक निफ्टी का आज तक का लाइफ टाइम जो टॉप लगा है एग्जैक्टली exactly हमने वो टॉप भी कैच किया था टॉप बताया था हमने कि मार्केट यहां तक जाएगी यहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगी और यहाँ से फिर पुल बैक देखने को बोला एग्जैक्ट बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम टॉप की बात कर रहे हैं हम और अभी रिसेंट फॉल में भी जहां इतना गजब का फॉल आप ऑलमोस्ट समझे सेवन थाउजेंड पॉइंट का फॉल आ रहा है वहां पे एग्जैक्ट लेवल हमने आपको बताया था पिन पॉइंट थर्टी टू थाउजेंड वन सिक्सटी लेवल एग्जैक्ट लेवल ये हमने डिस्कस किया था मल्टीपल टाइम्स और लेवल्स काफी गैप में थे यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट लेवल था 34150 ये दो लेवल्स हमारे लिए मेजर सपोर्ट थे फर्स्टली इस लेवल ने मल्टीपल टाइम वर्क किया इंट्रा डे में ही यहां से दो बार हमें गजब का बाउंस बैक देखने को मिला फर्स्ट टाइम 1000 पॉइंट का सेकंड टाइम भी मोर देन 600 पॉइंट्स और एग्जैक्ट फॉल में मार्केट कहाँ सपोर्ट ले रही है ये लेवल लोग लेवल की बात करते हैं लेवल आने के बाद मार्केट का बेस बनने के बाद लेकिन हमने ये लेवल ऑलरेडी जो हमारी वीडियोज देख रहे हैं उन्हें ये बताया हुआ था लेवल ऑलरेडी ये अपडेटेड लेवल था की बहुत मेजर सपोर्ट है और यहां से इंट्राडे में भी थाउजेंड पॉइंट का माउंस आया और ओवरऑल भी ने इस फॉल में यहीं पे बॉटम बनाए और कमाल की चीज ये लेवल आने से पहले हमने आपको अपडेट किया था ठीक है तो लेवल्स मैजिकली वर्क करते हैं इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आप ऐसा मैजिकल एनालिसिस मिस ना करें चलिए ये तो पुराने लेवल्स की बात हुई लेकिन अभी करंटली क्या लेवल्स हैं अभी जो मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करेंगे वो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है लॉजिक के साथ सब कुछ आपको समझाते हैं तो अभी मार्केट की क्लोजिंग 36400 लेवल के, 36, के आसपास आई है तो अपसाइड अभी भी स्कोप है और जैसे ऑलरेडी दिख रहा है गैप ऑफ ओपनिंग हो सकती है तो अगर गैप ऑफ ओपनिंग भी होती है तो भी कोई फ्रेश ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है मार्केट में ब्रेकआउट कब मिलेगा ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद ये मेजर फॉल आया था फर्स्टली दोबारा एक बाउंस देखने के लिए अपसाइड जो रेजिस्टेंस है करंटली वो हमें दिखता है थर्टी पहला लेवल होगा इंपॉर्टेंट लेवल पहला रेजिस्टेंस लेवल करंट मार्केट में बाउंस भी आता है यानी 600 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट गैप है 600 पॉइंट्स का बाउंस भी आता है तो भी आपको देखना है थर्टी लेवल ठीक है यहाँ पे रजिस्टेंस है ये अगर ब्रेक हुआ तो इसके बाद डायरेक्टली कितने पॉइंट का बाउंस आएगा ये लेवल्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डायरेक्टली मोर देन थाउजेंड पॉइंट मोर देन इलेवन हंड्रेड पॉइंट्स का बाउंस एक्सपेक्टेड है अगर ये लेवल ब्रेक हुआ पोजिशनल लेवल देखिए इंपॉर्टेंट लेवल है और यहाँ से मूव्स भी बड़े देखने को मिलते हैं ब्रेकआउट मिला पहली की डिस्कशन करते हैं यहां पे ठीक है वीडियो में ताकि आपके पास ओवरऑल एक ब्रॉडर व्यू पॉइंट तो होना चाहिए कि अगर मान लो सडनली मार्केट किसी साइड कोई मेजर मूव दिखाती है तो आपके फर्दर लेवल्स होने चाहिए जो मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करेंगे और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर कोई नियर बाई में रेजिस्टेंस नहीं है ये दोनों एक मेजर रेजिस्टेंस है और 38 120 भी अगर ब्रेक होता है तो क्लियर कट एक अपमूव एक्सपेक्टेड है वन साइडेड रैली फिर एक्सपेक्टेड है तो 38 120 के अबाउट मार्केट बिल्कुल बोलिश हो जाएगी पहली चीज इमीडिएट 37,000 एक रेजिस्टेंस एक ब्रेक हुआ तो इलेवन हंड्रेड पॉइंट्स की रैली का स्पेस है मार्केट के पास 38120 तक वहां तक जा सकती है और अगर 38120 कभी भी ब्रेक होगा याद रखना आपको तो फिर एक क्लियर कट मार्केट बुल रन में एंटर हो जाएगी और गजब की रैली फिर वहाँ से एक्सपेक्टेड है ठीक है वहाँ नियर बाई में कोई रजिस्टेंस लेवल नहीं है तो ये अपसाइड के लेवल्स की बात हुई जो अप ट्रेंड मार्केट का डिसाइड करेंगे लोअर साइड क्या लेवल्स है तो लोअर साइड जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है थर्टी सिक्स थाउजेंड ठीक है इमीडिएट जो सपोर्ट है और थर्टी सिक्स थाउजेंड की बिलो मार्केट फिर से वीकनेस दिखाने लगेगी अगर थर्टी सिक्स थाउजेंड फिर से ब्रेक हुआ तो फिर से एक एटीन हंड्रेड पॉइंट का फॉल आ सकता है लास्ट टाइम ये डिस्कशन थी कि अगर थर्टी सिक्स थाउजेंड ब्रेक हुआ तो लोअर साइड टारगेट आएगा क्या थर्टी फोर थाउजेंड वन फिफ्टी ठीक है यहां तक मार्केट फिर से फॉल हो सकती है वीकनेस है तो सिंपली थर्टी सेवन थाउजेंड अप ब्रेक होता है तो एक रैली एक्सपेक्टेड है 1100 पॉइंट्स की और 36,000 अगर लोअर साइड ब्रेक हुआ तो फिर से फॉल आ सकता है मार्केट फिर से बेरिश ट्रेंड में एंटर हो सकती है और मोर देन 1800 पॉइंट्स का फॉल आ सकता है मार्केट में तो ये है पोजिशनल लेवल्स जो ब्रॉडर मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे गजब से लेवल वर्क करते हैं जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं अगर आप नए हैं तो पुरानी वीडियो जाके देखिए आप खुद इन लेवल्स का मैजिक देखिए इंट्राडे में अगर आपके पास ये लेवल्स होते तो आप कितना डिसेंट प्रॉफिट कैच कर सकते थे थर्टी टू वन सिक्सटी पे एग्जैक्ट बॉटम बना इंट्राडे में थाउजेंड पॉइंट का बाउंस बैक थर्टी फोर वन फिफ्टी ट्वाइस वर्क करता है मार्केट ने दो बार इंट्राडे में इसी लेवल पे सपोर्ट लिया एक बार थाउजेंड पॉइंट का बाउंस एक बार सिक्स हंड्रेड पॉइंट का बाउंस तो गज़ब से ये लेवल्स वर्क करते हैं जरूर इन्हें मार्क रखें और क्या मेजर लेवल है जो मार्केट का भी ट्रेंड डिसाइड करेंगे अपसाइड थर्टी सेवन थाउजेंड के अबाव काइंड ऑफ एक स्मॉल ब्रेकआउट मिलेगा नेक्स्ट इलेवन हंड्रेड पॉइंट्स की रैली के लिए और एक न्यू फ्रेश ब्रेकआउट और रैली स्टार्ट होगी थर्टी एट वन ट्वेंटी के अबाउ ठीक है और लोअर साइड सपोर्ट है 36000 अगर वो ब्रेक होता है तो फिर से मार्केट में वीकनेस आ सकती है 1800 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिल सकता है तो ये है हमारे सारे पोजिशनल लेवल्स बैंक निफ्टी में होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे अभी लग रहा होगा कि क्या लेवल्स का यूज है लेकिन जो लोग यूज कर चुके हैं जो लोग इन लेवल्स का मैजिक देख चुके उन्हें पता है कितने गजब से ये लेवल वर्क करते हैं ये जो हमें टॉप दिख रहा है ना एग्जैक्ट ये जो टॉप बना था बैंक निफ्टी में एग्जैक्ट पिन पॉइंट लेवल यहाँ पे भी हमने निकाल के दिया था कि मार्केट का टॉप यहाँ पे बनेगा पहले ही हमने रैली कैच की थी ये जो गजब की रैली दिख रही है ना ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड पॉइंट की हमने पहली रैली कैच की थी फिर बताया कि अभी ये रैली यहाँ रुकेगी और यहाँ से रिवर्सल आएगा तो परफेक्टली लेवल्स वर्क करते हैं जरूर मार्क रखें आपको दिखेगा आपको सिर्फ मार्के तो करना है मैजिक दिखेगा आपको जब इन लेवल्स के पास आएगी ना मार्केट तो मार्केट बिल्कुल रिएक्ट करती है और गजब से वर्क करती है और यहाँ पे इन लेवल का देखो थर्टी टू वन सिक्सटी कोई राउंड फिगर नहीं है कि थर्टी टू थाउजेंड कोई राउंड फिगर हो इसके आसपास नियर बाय में मार्केट ने कोई वर्क नहीं किया फिर भी हमने आपको एक्जैक्टली exactly ये लेवल निकाल के दिया था और आपने मैजिक देखा इसका ठीक है तो ज़रूर पोजिशनल लेवल्स होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे इन मार्केट की अब बात कर लेते हैं पोजिशनली लेवल ज़रूर याद रखें मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड यही डिसाइड करेंगे अब इंट्राडे लेवल्स की बात करते हैं और इंट्राडे मंडे को कैसे आप ट्रेड बना सकते हैं वो देख लेते हैं तो इमीडिएट सपोर्ट एंड रजिस्टेंस की बात करें तो मार्केट में यहाँ पर रजिस्टेंस है थर्टी फिर थर्टी 36900 एंड उसके बाद 37200 लेवल ये सारे हमारे रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी में नोट डाउन कर लीजिए जैसे किसी भी लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बना सकते हैं कैसे पता लगता है किसी भी लेवल का ब्रेकआउट हुआ या नहीं इसके ऊपर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो बना के डाली हुई है तो उसे जरूर देख ले उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे किस लेवल पर ट्रेड बनाना होता है कब कोई लेवल कैसे ब्रेक होता है कैसे पता लगता है तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है यहाँ पे मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ किसी भी लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले तो आप नेक्स्ट लेवल के लिए ट्रेड बना सकते हैं रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं थर्टी सिक्स फाइव हंड्रेड थर्टी सिक्स सेवन हंड्रेड थर्टी सिक्स नाइन हंड्रेड एंड थर्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड ये सारे हमारे रेजिस्टेंस लेवल है सपोर्ट लेवल्स पहला थर्टी सिक्स टू फिफ्टी उसके बाद थर्टी सिक्स थाउजेंड लेवल ये दोनों हमारे सपोर्ट लेवल्स होंगे और थर्टी सिक्स थाउजेंड के बिलो तो मार्केट में वैसे भी वीकनेस एक्सपेक्टेड है तो अगर थर्टी सिक्स थाउजेंड किसी भी सिनेरियो में अगर मंडे को ब्रेक होता है तो आप सिंपली पुट्स में एंट्री कर सकते हैं अगर 36,000 किसी भी सिनेरियो में ब्रेक हुआ और इसके बाद डायरेक्टली टारगेट क्या होगा अगर 36,000 लोअर साइड ब्रेक हुआ और आपको पुट्स में एंट्री मिली तो टारगेट आपका होगा डायरेक्टली 400 हंड्रेड पॉइंट्स थर्टी फाइव का टारगेट है 400 हंड्रेड पॉइंट्स का अगर 36,000 लोअर साइड किसी भी सिनेरियो में ब्रेक होता है अभी करंटली नहीं दिख रहा है लेकिन आपके पास सेटअप आप होना चाहिए अगर कोई ऐसा सिनेरियो बनता है थर्टी सिक्स थाउजेंड लोअर साइड ब्रेक होता है तो सिंपली पुट्स में एंट्री करनी है पोजिशनल लेवल भी ब्रेक हो जाएगा पोजिशनल लेवल भी सेम है थर्टी सिक्स थाउजेंड तो वहाँ पे भी वीकनेस हमने आपको बताई थी और इंट्राडे में भी वीकनेस देखने को मिलेगी और टारगेट सिंपली फोर पॉइंट्स का है थर्टी लेवल तो ये हमारे लोअर साइड सपोर्ट लेवल्स हैं और ट्रेड भी हमने लोअर साइड डिस्कस कर लिया अप कॉल में एंट्री थर्टी के अबव आपको करनी है थर्टी टारगेट के लिए अगर थर्टी सिक्स नाइन हंड्रेड लोअर साइड से ब्रेक होता है इंट्रा में ब्रेक होना चाहिए यानी डायरेक्टली गैप ऑफ ओपनिंग के साथ ब्रेक हो जाए तो फिर ये ट्रेड वैलिड नहीं है इंट्रा में अगर थर्टी सिक्स नाइन हंड्रेड ब्रेक हो तो आपको कॉल्स में एंट्री करनी है टारगेट होगा थर्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड लेवल देखिए इंट्रा ट्रेड अलग है इंट्रा लेवल्स अलग है और पोजिशनल लेवल्स अलग है तो ये जो ट्रेड है ये इंट्राडे बेस पे है यहाँ पे डायरेक्टली फिर थाउजेंड पॉइंट की रैली जो हम वहाँ पे बात कर रहे थे थर्टी सेवन थाउजेंड के अबाव वैसा वो पोजिशनल लेवल्स हैं वो इंट्राडे के नहीं है वो वीकली वो पॉइंट है पोजिशनली आते हैं वो लेवल्स आते ज़रूर हैं वो हमने देखा है प्रीवियसली भी लेकिन इंट्राडे में आपके पास ये टारगेट होंगे तो थर्टी सिक्स थाउजेंड के बिलो पुट में एंट्री एंड थर्टी सिक्स नाइन हंड्रेड के अबाव कॉल में एंट्री अप साइड थ्री हंड्रेड पॉइंट्स का टारगेट है एंड लोअर साइड फोर हंड्रेड पॉइंट्स का टारगेट है ये सिंपली ट्रेडिंग सेटअप है इस सेटअप पे आपको मिले मार्केट तो ट्रेड बनाना है एल्स एक चीज़ हम आपको हमेशा बताते हैं सुपर ट्रेंड यूज करो वो आपको परफेक्टली गाइड करेगा ठीक है सुपर ट्रेंड आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करता है इंट्राडे ट्रेड्स बनाने में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड सब कुछ बताएगा आपको काइंड kind ऑफ of. तो उसे भी आप इंट्राडे ट्रेड्स के लिए यूज कर सकते हैं ठीक है, है फ्रेंड्स तो ये था आज का ओवरऑल एनालिसिस मेनली फोकस हमारा पोजिशनल व्यू पॉइंट पर ही था क्योंकि वहाँ मेजर लेवल्स हैं तो उनके हमने डिस्कशन की होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं इसके अलावा जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें परफेक्ट एनालिसिस डेली आपको यहाँ मिलता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच बाय टेक केयर